हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। और नई वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए पिता परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जो यीशु मसीह ने सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है, अपने पंखों के तले छिपा के रखा है। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, वो महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, करुणा निधान परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, पिता का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ने हम सभी को इस संसार से चुना है, चुन के अलग किया है, नाम ले के बुलाया है, उद्धार कर दिया है, छुटकारा कर दिया है। इसके लिए पिता यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रियजनों, यदि दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, अगर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो परमेश्वर से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को दूर करेगा, आपके जीवन में यीशु मसीह वो चेंजिंग लाएगा, आपके जीवन में यीशु मसीह वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत मिराकल करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। उसको सिर्फ आपके जीवनों में आदेश देना है, आपके जीवनों में वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, पिता ने कहा है, जो यीशु मसीह ने कहा है वह एक शब्द भी निष्फल न होगा, वह शब्द फलवंत होगा, वह शब्द का शब्द निकला हुआ यीशु मसीह के मुख से वह पूरा होगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी, मेरी बातों का कभी ना अंत होगा। जो यीशु मसीह ने कहा है वह होके रहेगा। फैसला आपका है, बताना मेरा काम है। मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। वो परमेश्वर जानता है, वो यीशु मसीह जानता है, वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा है, मुझसे मांग, मैं तुझे गहरी गहरी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी ना तो जानता और ना तो समझता है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, पिता ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यीशु मसीह ने कहा है, ये परमेश्वर ने कहा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह वो सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह वह सीढ़ी है जिस पर हम विश्वास करके हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रियजनों, आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, उस मनुष्य से नहीं बताना है, किसी मनुष्य से नहीं बताना है, उस परमेश्वर से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। यदि अपने पिता से मांगेंगे तो पिता अपने बच्चों को क्यों ना देगा। मेरे प्रियजनों, यदि हम अपने पिता के सामने कोई गलत काम करेंगे, कोई गलत बात करेंगे, तो पिता हमें डांटता है, मारता है, छड़ी लगाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है मेरा पुत्र, मेरी पुत्रियां मेरी आंखों के सामने कोई गलत काम करें, बुरा काम करें। यीशु मसीह है, यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों को नाश होने नहीं देता है, वह छड़ी लगाता है, डंडा लगाता है, वह नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे हाथ का बनाया हुआ, रचा हुआ, वह नरक जाए। यीशु मसीह ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह का प्रेम बहुत बड़ा है, उतना प्रेम कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य तो सिर्फ आपसे पाप करवाएगा, परंतु परमेश्वर तो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो उनको मैं धो दूंगा, ऊन के समान उजला कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा, व्हाइट कर दूंगा, उनको चेंज कर दूंगा। मेरे प्रियजनों, बस हम सभी को यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, पिता से प्रेम करना है, पिता से प्रेम करना है। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा
जानता है यदि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी की इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ। यीशु मसीह ने कहा है, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, तुम्हारी क्या जरूरतें हैं, तुम्हें क्या चाहिए। परमेश्वर जानता है, वो जानता है। बस हम सभी को परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने निष्कलंक बने रहना है, धर्मी बने रहना है, पाप से, बुराई से, गलत कामों से दूर रहना है, अलग रहना है। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं तो परमेश्वर से बताना है, यदि आप खुश हैं तो स्तुति के भजन गाइए मेरे प्रियजनों, ठीक है। इस प्रार्थना को आंख बंद करके पूरा विश्वास के साथ और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है, ठीक है। हमें जल्दबाजी प्रार्थना में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वह शांति का कर्ता है, शांति का राजकुमार है हमारा परमेश्वर। तो चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जो आपने इस पापम सभी को मेरे पिता जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के अंदर में छिपा के रखा है, शुपापा इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यश हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता कितने मनुष्य होंगे, अन्य जातीय लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पापा, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है पिता, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पापा हम सभी का पिता नाम लेके बुलाया है, आपने अपने हथेले पे हम सभी का नाम खोद के बना लिया है, चित्र बना लिया है, लिख लिया है पिता, उसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता पूरे विश्वास के साथ पिता, जो मसीह भाई इस प्रार्थना को आंख बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुन रहे हैं मेरे पिता, आप इनके जीवन में इस मसीह पिता वो चमत्कार कीजिए, वो चेंजिंग कीजिए, वो बदलाव लाइए, वो आज़ादी दीजिए मेरे पिता। जो बीमार हैं, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके हैं पिता, जो नहीं चंगे हो पा रहे हैं, जो नहीं आज़ाद हो पा रहे हैं, जो नहीं ठीक हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में, जो खाट पे, जो बेड पर पड़े हैं, आखिरी सांस ले रहे मसीह, आपके दास होने के नाते यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में आदेश देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, चंगे हो जाओ आमीन बोलकर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता किसी के गिल्टियाँ, रसोलियाँ, पथरियाँ, नाना प्रकार की बीमारियों में लिपते, बुखार में हैं, कैंसर में हैं, हर तरह की बीमारियाँ पिता, ये जूझ रही बीमारियों में पिता, या रो रहे हैं पिता, या बिलख रहे हैं पिता, या टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं, इन बीमारियों को लेकर उनके पास कोई आस्तिक्रम नहीं है, सिर्फ पिता वे आपके ऊपर उम्मीद लगाए हैं पिता कि आप उन्हें चंगा करेंगे, आप उन्हें आज़ादी देंगे। मेरे पिता आप इनके विश्वास के द्वारा पिता इनके जीवन में यीशु मसीह वो चमत्कार के रहे पिता, वो चेंजिंग लाइए पिता, वो बदलाव लाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के पापा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक पिता। मेरे प्रभु आप महान हैं पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पापा, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह हुए मेरे शमी आप माफ़ करें पिता, आप क्षमा करें पिता मेरे प्रभु, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के पापों को, अधर्मों को, गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। आपका लहू बहुत ही कीमती है ईश्वर पापा, आपने अपना लहू बाकी मेरे शमी हम सभी को मोल खरीदा है, पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ, इन सारे मानव जाति के पापों का बोझ पिता अपने पर ले लिए पिता, कलवरी क्रूस पे चढ़ गए, बलिदान हो गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता, आप जीवित परमेश्वर मेरे पिता, पिता परमेश्वर पिता हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्मों को आप क्षमा करें पिता, अपने लहू से शुद्ध करें पिता, आपका लहू बहुत ही कीमती पिता, आपका चंगे वाला हाथ, दया वाला हाथ पिता हम सभी को छू ले पिता, पिता अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर दया करें पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को मिटा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 हम प्रार्थना करते पिता, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने लेने मेरे शमी मेरे पिता, जो इधर उधर उधार ले रहे मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर सबको छोड़ छाड़ के यीशु मसीह आपके पीछे है मेरे पिता,
इनका जीवन संभाल लीजिए पिता। ये टूटने बिखरने ना पाए पिता। मनुष्य निर्बल कमजोर होता है पिता, वह टूट सकता है, बिखर सकता है, गिर सकता है मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगी, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता इन मसीह भाई बहनों के जीवन में आदेश देते हैं, आपके दास होने के नाते, आपके सेवक होने के नाते पिता इनके जीवन में पिता वो चेंजिंग लाइए पिता, वो बदलाव लाइए पिता इनके जीवन में पिता, वो मिराकल कीजिए पिता, इनकी तंगी परेशानी को पिता, इनकी गरीबी को पिता आप मिटा के रख दीजिए पिता। इनके जीवन में पिता वो चेंजिंग आने पाए, वो बदलाव आने पाए, वो छुटकारा आने पाए, वो आजादी आने पाए। जिनके जीवन में पिता हर एक कराधारा के बंधन है, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन है, हर एक पिता गंदी आत्माओं के बंधन है, यीशु मसीह के नाम से वे टूट जाए, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, वे जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता है, भलता गंदे सपने ख्याल विचरते प्रभु, जब लेटे पिता तब इन्हें सुख की नींद दीजिए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी। मेरे पिता इन वचनों के द्वारा हर एक जन की सहायता कर पिता, मुझे आशा है विश्वास है पिता अपने प्राणों को सुन लिया पिता, ये छोटे से मृत्यु उद्धार करता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और पवन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।